हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे मेरी तरह। तो मैं तो देख सकते हैं, इसने मुझे ना बहुत परेशान करके रख दिया। ये मेरी वीडियो भी जो है निंदेगा, ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार है मुझे। गाइस जाए यहाँ से। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, शानदार होंगे, तगड़े होंगे। आज जो है ना हमारा व्लॉग नहीं होने वाला है, आज हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है। तो गाइस, जिस चीज का इतने दिनों से मुझे इंतजार था ना, वो फाइनली आज हमारे पास आ चुका है। हमने जो है ना एक नया माइक ऑर्डर किया था, जो हमारे पास आ चुका है, तो आप लोगों को हम अनबॉक्स करके दिखाते हैं। तो जब भी गाइस मैं ट्रेवल कर रहा था, उस टाइम जो है मुझे बिना माइक के बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। आवाज़ जो है ना मेरी क्लियर नहीं आ पा रही थी, हवा का साउंड जो है ना ज़्यादा आ रहा था और मेरा जो है बहुत कम आ रहा था। तो इस वजह से जो है ना गाइस मुझे नया माइक ऑर्डर करना पड़ा, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे भाई का माइक तो खो ही गया था, तो उस वजह से मैंने नया माइक ऑर्डर कर दिया था। तो गाइस, हमने जो माइक मंगाया था ना वो ये है, देख सकते हैं, जो हमारे पास कल आया था, हमने जो है फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। अभी तक तो मैंने यूज़ किया हुआ नहीं है बिल्कुल भी, तो कल ही हमारे पास पहुँचा था। तो आज हमने सोचा इसकी अनबॉक्स वीडियो क्यों ना बना दी जाए, क्योंकि व्लॉगिंग में जो है ना बहुत दिनों से इंटरेस्ट आ नहीं पा रहा था बिना माइक के। मतलब अजीब सा लग रहा था, मज़ा जैसे नहीं आ रहा था। तो जितने बार भी मैं इधर उधर जाता था ना, बिल्कुल हवा का साउंड ऐसे कैप्चर होता था भयंकर, मेरी तो बिल्कुल भी आवाज़ जो है ना आ नहीं पाती थी। ये हमको पड़ा है 2000 रुपये का। तो फटाफट से जो है ना गाइस इसको बिना लेट किए हुए अनबॉक्स करते हैं, और चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं इसके साथ में क्या क्या आ रखा है वो भी दिखाते हैं। इसको रखते हैं साइड, और ये है हमारा प्रोडक्ट, तो इसको करते हैं अनबॉक्स। तो भाई साहब, तो देख सकते हैं इसके साथ जो है ना हमको एक सबसे पहले में वारंटी कार्ड मिला है, उसको रखते हैं फिलहाल साइड में। तो देख सकते हैं कुछ ऐसा टाइप का है, इसमें जो है ना एक रैप करके आ रखा है पूरे पूरी सेफ्टी के साथ, और पैकिंग भी जो है ना काफ़ी अच्छी है। तो देख सकते हैं इसके अंदर जो हमारा माइक है, इसको अभी रखते हैं साइड, और इसमें क्या क्या है वो देखते हैं। इसके साथ जो है ना एक केबल आ रखी है OTG की चार्जर वाली, अंदर जो है ना, अरे भाई इसमें तो बहुत सारा सामान आ रखे। तो भैया जी, इसके साथ में जो है ना एक बॉक्स के अंदर इसमें आ रखा है आईफोन यूज़र के लिए माइक, और ये जो है ना माइक वायरलेस है, आईफोन यूज़र भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ जो है एक और आ रखा है, एक तो आईफोन का आ रखा है और एक और इसमें आ रखा है, देख सकते हैं। तो इसमें जो है आप लोग वायर वाला माइक भी यूज़ कर सकते हैं, पीछे से इसमें ईयरफोन वाला पिन बना हुआ है और आगे जो है टाइप सी है, तो इसको भी रखते हैं साइड, और ये हो गया इसका चार्जर। तो गाइस करते हैं माइक की बात। माइक जो है ना हमारा इसमें है, तो ये देख सकते हैं ये जो है ना कुछ एयरपॉड्स की तरह ही है, इसमें ही जो है चार्जर का भी है, और माइक जो है कुछ ऐसा है छोटा सा, इसको भी रखते हैं साइड। और तो हमारी मदद करती है फोन को कनेक्ट करने में, तो उसके साथ मिला है ये, और हमारा माइक जो है कुछ ऐसा है, देख सकते हैं ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा टाइप का है। तो इसको जो है ना फटाफट से अपने फोन में कनेक्ट करते हैं, और इसका साउंड जो है चेक करते हैं कैसा है। फटाफट से जो है ना इसको मैं फोन में कनेक्ट कर लेता हूँ, तो उसके बाद दिखा देता हूँ आप लोगों को, और आप लोग जो है ना कमेंट करके जरूर बताना इसकी वॉइस कैसी आ रही है। तो गाइस फिलहाल मैंने माइक कनेक्ट कर लिया है, और माइक जो है ना मेरे हाथ में है, और मेरी वॉइस जो है ना कैसी आ रही है कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये हमारा नया माइक होने वाला है। अगर ये आप लोगों को सही नहीं लगा तो मैं इसको रिटर्न करवा दूंगा दोबारा से, क्योंकि मुझे जो है ना एक अच्छी क्वालिटी का माइक चाहिए था। तो मुझे तो लगता है ये काफ़ी अच्छा ही होगा, क्योंकि ये काफ़ी महंगा भी है, और पिछला माइक जो है ना हमने मंगाया था 1000 से ऊपर का था वो, कुछ वो तो मुझे याद नहीं कितने का मंगाया था, बट ये जो है ना हमको 2000 रुपये में पड़ा है। जैसे आप लोगों के पास एयरपॉड्स होते हैं उनमें ये सब फीचर होते हैं, तो उसी टाइप का इसमें भी बना हुआ है। तो ये बॉक्स काफ़ी प्यारा है, कहीं भी लेके जा सकते हो, और बैटरी की भी ना कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसकी साउंड क्वालिटी कैसी लगी आप लोगों को जल्दी से कमेंट करके बता दो, और इसका जो है ना ये कितने रेंज तक काम कर सकता है वो भी हम लोग चेक करेंगे, बाहर चलेंगे तो दिखाएंगे आप लोगों को कि कितनी रेंज है इसकी। तो भैया जी, अभी हम लोग जो है ना चलते हैं बाहर, और माइक चेक करते हैं कि इसका साउंड कैसा आ रहा है, और इसकी रेंज कितनी है, ये कितने रेंज तक वर्क कर सकता है। तो चलते हैं हम बाहर और चेक करते हैं फटाफट से, आप लोगों को पता चल ही जाएगा। इसको
लेके आ चुका हूँ अपने बाहर, और माइक जो है कुछ ऐसे टाइप का है, तो इसका अभी हम रेंज चेक करेंगे कितने रेंज तक वर्क करता है अच्छी तरीके से। तो अभी तो मैं इसको लेके बढ़ता हूँ आगे की तरफ और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। इसमें चलता हूँ और फिलहाल मैं कैमरामैन को अपना यहीं खड़ा करके जा रहा हूँ, तो चलते हैं आगे तक कितने दूर तक ये वर्क करता है। तो माइक जो है ना वॉइस कैसे कैप्चर करता है। तो फिलहाल गाइस मैं इतनी दूर आ चुका हूँ और मैं धीरे धीरे अभी भी पीछे को जा रहा हूँ, तो देख सकते हैं आप और कमेंट करके ज़रूर बताएं इसकी वॉइस जो है मेरी कैसी आ रही है अभी। तो अभी तो ये माइक मुझे तो लगता है कि काफ़ी सही प्रोडक्ट है, क्योंकि पिछला माइक जो लिया था ना वो भी हमारा सही था। इसकी वॉइस जो है ना कैसे कैप्चर कर रहे हैं वो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो भैया जी फिलहाल हम लोगों ने जो है ना ये चेक कर लिया है माइक, ये काफ़ी अच्छा था। पहले माइक की भी हम लोगों ने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई हुई थी, तो उसका परफॉर्मेंस भी जो है ना अच्छा था, और इसकी माइक की क्लियरिटी जो है ना मुझे तो ऐसा लग रहा है काफ़ी उससे बढ़ गया है, और वो माइक भी मतलब काफ़ी अच्छा था। तो ये वाला माइक जो है ना उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तो, इसकी साउंड क्वालिटी भी जो है ना काफ़ी क्लियर आ रही है बिल्कुल, और इसके खोने के जो है ना बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, क्योंकि उस माइक में जो है ना ऐसे फंसने वाला था और इसमें कोई फंसने वाला नहीं है। इसमें सिर्फ एक क्लिप बनी हुई है जो हम लटका दे कहीं भी और ये वहाँ से कहीं भी हिलने वाला नहीं है। यदि आप लोग ना अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, फटाफट से जाके वहाँ से आप लोग बाय कर सकते हैं। अगर आप लोग एक छोटे से ब्लॉगर हो या वीडियो क्रिएटर हो या शायरी वगैरह करते हो, तो उस चीज़ के लिए भी ये वायरलेस माइक जो है ना काफ़ी अच्छा है, मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। इस माइक में जो है ना अगर हम हल्के से भी बोले तो काफ़ी अच्छी वॉइस कैप्चर कर ले रहे। पिछला वाला जो माइक था मेरा उसमें जो है थोड़ी वॉइस ऊंची करके बोलना पड़ता था, तो ये माइक जो है ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी छोटा भी है, और इसका वेट जो है ना काफ़ी लाइट है, और ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे। गाइस ये थी हमारी वायरलेस माइक की एक छोटी सी अनबॉक्स वीडियो जो आप लोगों ने देख ली। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। इसकी क्वालिटी के बारे में ज़रूर आप लोग बताइए कि इसकी वॉइस कैसी आ रही है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो साफ से जो है ना कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।